समर्थन मूल्य धान खरीदने की अवधि 31 मार्च को खत्म होने वाली थी, किंतु बकाया खरीदी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2 माह की अवधि बढ़ा दी है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर आभार माना है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर, विधायक राजू कारीमोरे, विधायक सहस्राम कोरोटी, अन्न नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के जरिए सरकार की और धान खरीदी को मुदत बढ़ाने की मांग की थी। इस वर्ष के खरीफ मौसम में धान का ज्यादा उत्पादन हुआ तथा राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 700 रुपए बोनस घोषित करने से सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर धान की आवक बढ़ी है। अधूरी खरीद यंत्रणा व बेमौसम बारिश, गोदामों की कमी के चलते अभी भी 40% धान खरीदी बकाया है। ऐसे में धान खरीदी बंद होने से अपना क्या होगा, इस चिंता ने किसानों को घर रखा था। किंतु भंडारा गोंदिया जिले के विधायकों के आग्रह से की गई मांग को लेकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। पवनी व भंडारा तहसील में धान ज्यादा संख्या में बकाया है। इन दोनों तहसील के अनेक किसानों ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर का आभार माना है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।